आ गया है मुंबई के आइकॉनिक एडी गैलेक्सी थिएटर में। पैर रखने के लिए इस वक्त जगह नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, लोग बस थिएटर के अंदर जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं अपने चाहते सुपरस्टार्स। हियर यू कैन सी द क्रेज द क्राउड एट मुंबई आइकॉनिक एडी गैलेक्सी। दोस्तों मेरे को जिस चीज़ का डर था ना भाई, बिल्कुल भाई वही हो गया भाई। भाई जान के साथ फिर हमने एक नॉन वीकेंड डे पे भी, मतलब अपने डे से उन पे गुरुवार को भी करोड़ों में कमाई कर डाली। जहाँ पे सेल्फी शेयर जरा बोला भाई बुरी तरह पिट गई थी ना, उस टाइम पे भाई जान आए थे भाई बॉलीवुड को बचाने के लिए। वही फिल्म ने अपने ओहो डे पे कमाई थे 15 करोड़, डे वीकेंड पे 25 करोड़, 30 करोड़, क्या बाप लेवल की कमाई थी। बट उसके बाद जो भाई अपने वीक डेज थे यार, मंडे टू फ्राइडे, वहाँ पे कमाई थोड़ी कम हो गई यार। ऑब्वियसली यार बच्चों के एग्जाम थे यार, आईपीएल का माहौल था, और मतलब फिल्म एक फैमिली फिल्म थी ना, तो इसलिए लोग कम आए इसको देखने। फैमिली ज़्यादा आई पर अपना यंग मतलब यूथ लोग कम आए। अगर बात करें इसकी ऑक्यूपेंसी दोस्तों, ऑक्यूपेंसी भर भर के थी भाई, 10%, 15%, 20%, ओहो मजा आ गया, आपके स्क्रीन पर होगी। अगर हम बात करें फिल्म की अब डे 7 की कमाई के बारे में दोस्तों, फिल्म ने कमाए हैं 3 करोड़ 15 लाख के आसपास। अब इसके चलते फिल्म की डे 1 से लेके डे 7 की टोटल कमाई हो गई है इंडिया की नेट, मतलब कटने फटने के बाद जीएसटी के बाद हो गई है 89 करोड़ 40 लाख के आसपास। अगर हम बात करें इसकी ग्रॉस कमाई की दोस्तों, वो हो गई है 106 करोड़ के आसपास। ये होती ना असली कमाई दोस्तों। अगर आपको जाननी है भाई जान की फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई 7 दिन की क्या हुई है, फिल्म ने डे 8 पे क्या कमाया है, PS2 की रिव्यू क्या है, PS2 की कमाई क्या है, अखिल जो नागार्जुन के बेटे हैं उनकी जो फिल्म आई है एजेंट, उसने क्या धमाल किया है, क्या उसका रिव्यू अभी आपके आ रहे स्क्रीन पे, इन पे आप क्लिक करिए और मजे करिए। और इसी बात पे चैनल को करिए सब्सक्राइब, प्यार से दिल से करना बाबू।